पर होगा चुनाव 4 जून को, और इस वक्त ही पहला चरण जो है 19 अप्रैल को होना है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दूसरा चरण 26 अप्रैल को है। 7 चरणों में चुनाव होने हैं। आपको बता दें तारीखों का ऐलान हो चुका है। तीसरा चरण 7 मई को, तो 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव, चौथा चरण 13 मई को है। 13 मई को चौथे चरण का चुनाव होना है। 20 मई को पांचवें चरण का चुनाव होना है। छठवां चरण 25 मई है। 25 मई को 6th phase पर चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव। तो सातवां चरण 1 जून को है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें 7 चरणों में चुनाव होने हैं लोकसभा चुनाव, जिनकी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 543 सीटों पर चुनाव होना है लोकसभा का। इसमें 7 phase रखे गए हैं। 19 अप्रैल को चुनाव शुरू होगा पहले चरण का। दूसरा चरण 26 अप्रैल है, तो दूसरे चरण का चुनाव जो है 26 अप्रैल को। तीसरा चरण 7 मई को। तो राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान उन्होंने बताया। चौथा चरण 13 मई को। तो अब चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। पांचवा चरण 20 मई को। तो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी, तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसका हम सभी को इंतजार था, पूरे देश को इंतजार था। कहा जाता है कि एक बहुत बड़े महापर्व का इंतजार था, चुनाव का महापर्व कहा जाता है लोकसभा चुनाव। 543 सीटों पर चुनाव होने हैं, और ऐसे में पिछली बार की तरह इस बार भी 7 phase में चुनाव रखे गए हैं। तो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी उदय जुड़ चुके हैं। उदय, 7 phase में चुनाव होंगे, तारीखों का ऐलान हो चुका है, थोड़ा लेट से हुआ लेकिन हो गया, सबको जिसका इंतजार था। बिल्कुल, और ये लोकतंत्र का महापर्व, जैसा चुनाव आयोग बता भी रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और 97 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन होंगे और 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिसर होंगे, और तमाम चीजों को लेकर इस बार बहुत खास एहतियात जारी किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव से पहले उपचुनाव भी 26 विधानसभाओं में होना है, जिसमें झारखंड भी है। झारखंड में गांडे सीट पे उपचुनाव होना है, और गांडे उपचुनाव को लेकर लगातार कयास लग रहे थे कि 1 साल से कम वक्त होता है विधानसभा चुनाव में, तो उपचुनाव नहीं कराए जाते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने तमाम इन आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए गांडे में उपचुनाव की घोषणा कर दी है। और इसके साथ साथ 4 विधानसभाओं में भी चुनाव साथ में होने हैं, उड़ीसा, आंध्र, अरुणाचल और एक और स्टेट है सिक्किम में, जहां पर चुनाव होने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनाव आयोग की तरफ से अपील की जा रही थी, तो हेट स्पीच, उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ सालों के दौरान हेट स्पीच के बहुत सारे मामले आए हैं, उस पर कड़ी नजर रहेगी। उन्होंने एक शेर भी सुनाया कि दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है, और ये नसीहत दी गई है कि निजी हमले ना किए जाएं। और सबसे बड़ी बात, आजकल सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग होता है, तो अगर सोशल मीडिया का दुरुपयोग होता है तो आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया है। और देखा जाए तो फेज 1 में जो चुनाव होने हैं, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। कुल 7 phase में चुनाव होने हैं। 1 से 28 मार्च के बीच नोटिफिकेशन जारी होगा, और विड्रॉल 30 मार्च तक कर सकते हैं। 19 अप्रैल को वोटिंग शुरू होगी। बिहार में लास्ट डेट विड्रॉल की 2 अप्रैल होगी, और 4 जून को पूरे देश में मतगणना होनी है, यानी उसी दिन नतीजे आ जाएंगे, अभी जो जानकारी सामने आ रही है। और सिक्किम, 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां सिक्किम 2 जून को चुनाव होने हैं 32 सीटों पर, ओडिशा में 24 जून को चुनाव होने हैं 107 सीटों पर, अरुणाचल में 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव 1 साथ कराए जाने हैं। तो एक तरह से झारखंड को लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कै तारीख से चुनाव की शुरुआत होगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 4 चरणों में झारखंड में चुनाव कराए जाना है, इस बात की घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से कर दी गई है। और लगता है कुछ ही मिनटों में हमारे पास कौन कौन सी तिथियां होंगी ये भी आ जाएगी। अच्छा, एक चीज है, देखिए यहाँ पर युवाओं की बात करें तो 18 से 19 साल के मतदाता जो है 1,84,81,610 हैं। 20 से 19 साल के मतदाता 19,74,37,610 है, यानी कि जो युवा वोटर्स हैं इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। युवा वोटर्स की संख्या बढ़ी भी है।
बिल्कुल, युवा वोटर्स की संख्या काफी बढ़ी हुई है और इसी से ये पता चल रहा है कि यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम इसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं। और झारखंड की 14 सीटों को लेकर जो हम बात कर रहे थे तो वो भी लगभग आ गया है। झारखंड की 14 में से 6 लोकसभा सीटें एससी एसटी के लिए आरक्षित है और अभी तक पूरी डिटेल्स झारखंड को लेकर अभी तक लगता है कि नहीं आ पाया है। झारखंड में 4 चरणों में अभी धीरे धीरे सारी डिटेल आ जाएंगी, चुनाव कराए जा रहे हैं, ये तो स्पष्ट हो गया है, लेकिन 14 में से 6 लोकसभा एसटी एससी के लिए आरक्षित है। अच्छा देखिए, कई चीजें हैं इसमें। अगर हम बात करें तो 80 उम्र के भी मतदाता जो है 1,85,92,918 है, और 100 पार की बात करें, 100 प्लस की बात करें तो 2,38,791, यानी कि बात की जाए वोटर्स तो वोटर्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। बिल्कुल, वोटिंग बढ़ती जा रही है और झारखंड की अगर बात की जाए तो 18 साल से अधिक उम्र के आयु वर्ग की अनुमानित जनसंख्या बताया यहाँ जा रहा है कि 2,52,94,173 है। समझिए कि आप झारखंड में एक बड़ी आबादी 18 साल से अधिक उम्र के युवाओं की है, 2,52,94,173 लोग 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं जो वोट करेंगे। और भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से 22 जनवरी 2024 को ही आंकड़े जारी किए गए थे। कुल 2,53,086,152 मतदाता हैं और एक अच्छी खासी संख्या है झारखंड की। और यहाँ को लेकर, झारखंड को लेकर अभी तक इंतजार इसी बात का है कि कौन कौन तिथि को चुनाव होने हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी, आंध्र प्रदेश की बात करें, सिक्किम करें, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा में विधानसभा आपके बता दें। हमारे साथ हमारे संवाददाता गौतम भी जुड़ चुके हैं, बिहार से जुड़ चुके हैं, पटना से। गौतम, देखिए आज जिस सबका जिसको इंतजार था, आज उन सबका इंतजार खत्म हुआ है, चाहे राजनीतिक दल हो चाहे मतदाता हो, हर कोई इंतजार कर रहा था कि कब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। तारीखों का ऐलान भी हो गया और 7 चरणों में चुनाव भी होंगे। बिल्कुल, जिस तारीख के इंतजार में तमाम लोग थे और खास करके भारतीय जनता पार्टी में मैंने देखा जो उत्साह है वो पूरी तरीके से चरम पर है। और बिहार को लेकर जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए उनमें तमाम जो घोषणाएं जो अलग अलग डेट पे की गई कि 7 चरण में किस तरीके से होगा, और उसमें बिहार सबसे बड़ी बात है कि बिहार के में कुल 40 सीटों के लिए 7 फेज में चुनाव होंगे।